सबसे महत्वपूर्ण बेलेरू क्षेत्र की मेरी समस्त जनता जनार्दन नहीं मेरे परिवार के सदस्य बन गए। मैं बेलेरू में सर्वप्रथम हमारे अशोक डांगी जी को भी याद करना चाहता हूं। एक समर्पित कार्यकर्ता थे, केवल कांग्रेस के नहीं लेकिन सिंधिया परिवार के, और इस डांगी समाज के साथ, अहिरवार समाज के साथ, आदिवासियों के साथ एक पारिवारिक रिश्ता अगर किसी का है तो केवल सिंधिया परिवार का बनेगा। और इसलिए सदैव हमने अपना प्रण संकल्प लिया है कि सुख के समय में मैं आपके साथ रहूं या न रहूं, लेकिन भगवान न करे पर लेकिन जमीनी दुख का समय आया है, शिवराज सिंह चौहान आए या न आए लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ। अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा है, प्रभु सिंह जी ने, ब्रिजेंद्र ने, गब्बर सिंह जी ने, न जाने क्यों चार साल बाद, 14 साल के वनवास के बाद मेरा मुंगावली और कोलारस पर्यटन का केंद्र बन चुका है। ऐसे चमत्कार की गाड़ियां आ रही हैं, ऊपर लाल बत्ती लगाकर ऐसा लग रहा है कि ये तो मध्य प्रदेश की राजधानी बन चुकी है। मैं एक ही प्रश्न इन भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं, ये याद रखना, ये भारत है, इस भारत में रिश्ते बनते हैं तो भावनात्मक तरीके से, दिल से बनते हैं। यहां रिश्ते पैसे से नहीं बनते। जो लोग यहां आ रहे हैं बड़े से बसेरा करने के लिए, देश विदेश से जो यहां आजकल पंछियां आकर एक एक डगाल पर बैठ रही हैं, और मेरे मुंगावली में बहुत पुराने हमारे वृक्ष हैं, बहुत पुराने पेड़ हैं, तो कोई पक्षी उस डगाल पे, कोई पक्षी उस डगाल पे बसेरा करने आए हैं। हम लोग अतिथियों का सदैव स्वागत करते हैं, लेकिन ये याद रखना मेरी मुंगावली की जनता और बेलेरू की जनता कि आगामी 24 तारीख को उन किसान के मौतों के गुनाहगारियों को यहां से विदाई भी हम लोग मांगते हैं। मेरे और आपके मध्य प्रदेश का क्या हाल कर दिया इन्होंने, एक एक ये भाजपा का नेता जो पहले साइकिल पे चलते थे आजकल तो ऐसे होके चल रहे हैं, ढाई ढाई करके पूरी तरह गरीबों का पूरा सत्यानाश इस मध्य प्रदेश में कर दिया। एक एक गरीब को राशन नहीं मिलता, एक एक मेरी महिला को विधवा पेंशन नहीं मिलता, एक एक मेरे गरीब को गरीबी रेखा के सूची में नाम काटकर भाजपा के कार्यकर्ताओं का नाम डाला जाता है। जो गरीबों का पैसा चोरे उसे इस दुनिया में क्या, उसे तो ऊपर वाला भी कभी माफ नहीं करेगा। और आज वो प्रण संकल्प देना होगा, मुझे वो बेलेरू याद है 16 साल पहले जब मैं यहां पहली बार आया था 2002 में, याद है ये सड़क, हम लोगों को ढूंढना पड़ता था कि सड़क कहां है और गड्ढे कहां है। आज बेलेरू की सड़क मैंने मखमल की तरह बना दी है, और मैं तो चाहूंगा कि शिवराज सिंह जी अपने उड़न खटोले से उतर कर इस सड़क में अगर चलेंगे तो जितने गड्ढे इनको अपने विधानसभा में बुदनी में लगती हैं, इस क्षेत्र में एक भी गड्ढा उनकी गाड़ी में नहीं लगेगा। मुंगावली का एक एक सड़क मैंने मखमल की तरह बना दी है, अशोक नगर पिपराई मुंगावली की सड़क 44 किलोमीटर की 25 करोड़ की, अशोकनगर से मतावली की सड़क
जो आप लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी, एक सड़क 53 किलोमीटर की 1 अरब रुपए की स्वीकृत करवा के मैंने आप लोगों को दी। छुटिया बाबूरी बाबरोड की सड़क, हमारी क्षेत्र से मावन की सड़क, एक एक सड़कों का जाल मैंने बिछा दिया है। और आज जो बिलेरो में ये खंबे आपको दिख रहे हैं, ये तार, मोटा वाला तार आपको दिख रहा है, ये मेरी राजीव गांधी ग्रामीण वितरण योजना का तार लग रहा है। 2 करोड़ का सबस्टेशन मैंने स्थापित किया ताकि आपके घर घर तक बिजली की योजना आप लोगों के लिए आ जाए। लेकिन खंबा मैंने लगाया, तार मैंने लगवाया, सबस्टेशन मैंने लगवाया, लेकिन उस शिवराज सिंह चौहान ने आज तक आपके घर में कर जो 14 साल से आपका करंट पी रहा है, उस शासन को आगामी 24 तारीख को हाथ के पंजे वाले बटन को इतने जोर से दबाना कि कुंभकर्ण के नीच से उठा के उठा। मेरा नाम ज्योतिरादित्य है, तो अगर शिवराज सिंह चौहान ने आपको इस तार पे बिजली का करंट नहीं दिया, मैंने बिलोरियो में एक एक जगह सौर्य ऊर्जा की लाइट लगा दी ताकि रात को आपको सूर्य की ट्रेनों की श्रृंखला आप लोगों के लिए मैंने ला दी। कोटा बीना लाइन का दोहरीकरण 2000 करोड़ का मैंने आप लोगों के लिए करवाया। कोटा बीना लाइन का विद्युतीकरण 700 करोड़ से मैंने आप लोगों के लिए करवाया। चाहे वो कोटा बीना ट्रेन की बात करो, भोपाल और ग्वालियर की इंटरसिटी की बात करो, ग्वालियर इंदौर की इंटरसिटी की बात करो, जबलपुर इंदौर की इंटरसिटी की बात करो, सिख समाज के हमारे लोगों को इंदौर से अमृतसर स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के लिए भी ट्रेन मैंने चला के यहाँ दी। मुंबई की ट्रेन चला दी, पुणे की ट्रेन मैंने चला दी। शिवराज सिंह चौहान तो उड़न खटोले छोड़ो, गाड़ी छोड़ो, मेरे क्षेत्र में तो हर ट्रेन में सफर करके किसी भी क्षेत्र में जा सकते।